दोस्तों तो मैं सिडनास के एक अनशीन अनदेखी वीडियो लाया यहाँ जहां पर सहनाज ने शिकायत करते हुए सिद्धार्थ से बोला तूने मुझे क्यों नहीं बचाया तो दोस्तों सिद्धार्थ ने क्या बोला ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक नहीं है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो तब की है यार जब आपकी अदालत वाला टास्क होने वाला था उस वाले दिन की है उस समय सब लोग बहुत ही टेंस थे ऐसा सिचुएशन बना हुआ था यार कि आपकी अदालत वाला टास्क होने वाला है तो क्या सवाल पूछे जाएंगे हमसे तो सब लोग सोच रहे थे ऐसे और सिद्धार्थ शुक्ला भी हमारे चाय पी रहे थे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और दिमाग में सोच रहे थे क्योंकि सिद्धार्थ थोड़ा लॉजिकल है सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा और सहनाज गिल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मस्ती के मूड में थी क्योंकि सहनाज को फ़र्क नहीं पड़ता था यार कोई क्या भी पूछे उनको ये अच्छे से पता था कि मैं तो सारे जवाब अच्छे से दूंगी मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैं दिल से जवाब देती हूँ तो दोस्तों सहनाज बोल दिया यार मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है ना मेरा मन कर रहा है कि गूगल घर जाके ना गूगल पर सर्च मारूँ सहनाज गिल इतनी क्रेविंग हो रही है कि लोग क्या क्या सर्च मारे होंगे बहुत सारे लोग सहनाज गिल को सर्च मार रहे होंगे और मेरा मन ऐसा कर रहा है कि बिग बॉस कंटेस्टेंट सहनाज गिल सर्च करने पे सहनाज गिल के कितने सारे मिलियंस फॉलोअर्स आते हैं कौन कौन क्या क्या सर्च कर रहा है ओ माई गॉड इतना कुछ आ रहा है सहनाज गिल के लिए ऐसा सहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला को बोलती है कि मेरे मिलियंस में सर्च आ रहे होंगे और सिद्धार्थ सहनाज गिल को देखते रहते हैं और सहनाज गिल बोलती है वाह मेरे मिलियंस में सर्च आएंगे मैं क्या सोच रही हूँ सिद्धार्थ और फिर सहनाज बोलती है कम ऑन बाबे कम ऑन बाबे लेट्स गो पार्टी हे 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 लेट्स गो पार्टी हे 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 ऐसा सहनाज गिल वहां पर गाना गाती है और देखिए दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की नजर ना सिर्फ सहनाज गिल पे लगी रहती है और सहनाज गिल थोड़ी डांस के स्टेप्स करती है और बोलती है हाउ इज माई स्टेप सिद्धार्थ मैं कैसी लग रही हूँ स्टेप करते हुए सिर्फ बोलते हैं आई थिंक इट्स सो कूल बहुत कूल cool लग रही है तो स्टेप करते हुए अब सहनाज बोलती है अब ये वाला देखना मैं कैसे कर रही हूँ और सहनाज गिल फिर से वही गाना बोलती है कम ऑन बाबे लेट्स गो पार्टी हे हे हे, अब इस स्टेप को थोड़ा थोड़ा करके करती है बिल्कुल कदम ताल के साथ और सहनाज गिल ना इतना बढ़िया करती है कि सिद्धार्थ शुक्ला की नजर तो सिर्फ सहनाज पे रहती है उस समय सिद्धार्थ शुक्ला जो भी सोच रहे होते हैं दोस्तों जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है कि आज क्या पूछा जाएगा जितनी भी टेंशन उनकी दिमाग में थी छू मंतर हो जाती है क्योंकि सहनाज गिल इतना फनी एक्ट वहां पर करती है बहुत ही बढ़िया लगती है अब सहनाज बोलती है सिद्धार्थ को अब ये वाला देखना सिद्धार्थ मैं ये वाला स्टेप कैसे करती हूँ सना बोलती है अरे तेरे साइड पर चाय का कप रखा है ना गिर जाएगा इसलिए थोड़ा इधर से रख दे उसको को तो, वहाँ पे मत रख कहीं मेरे पैर से गिर गया तो कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए सिद्धार्थ फिर सिद्धार्थ बोलती अरे मत कर सहनाज मत कर सिद्धार्थ ऐसी फनी वे में बोलते हैं फिर सहनाज बोलती है यार मुझे मारने का ना मन कर रहा है कुछ तू बहुत ही फेक है सिद्धार्थ तेरे को पता है तू फेक है यू आर सो फेक ऐसा सहनाज बोलती है आई हेट यू तूने उसको कैसे बचाया जब तुझे पता था सहनाज है वहाँ पे तूने क्यों बचाया किसी को क्यों बचाता है तू क्यों बचाया तूने तू मुझे आज जवाब दे सिद्धार्थ क्यों बचाया तूने सहना सिद्धार्थ की आंखों में बिल्कुल गुस्से से देखकर बोलती है इसका बदला ना मैं तुझे बाहर लेके लूंगी क्यों तूने क्यों उसको बचाया तूने मुझे क्यों नहीं बचाया इसका बदला ना मैं चुन चुन के लूंगी सिद्धार्थ चुन चुन के यहां नहीं बाहर लूंगी एक एक चीज एक एक चीज का बदला लूंगी सिद्धार्थ तेरे को पता भी नहीं चलेगा आई विल बी कि यू यू आर लूजर ऐसा गिल उस समय बोलती है अब सना बोलती है तोड़ दूँ मैं तोड़ दूँ अब गिल अपने हाथ पे हेयर बैंड लेती है और सिद्धार्थ को बोलती है तोड़ दूँ तोड़ दूँ सिड बोलते हैं क्या क्या सना बोलते हैं अरे शीशा तोड़ दूंगी सिड बोलते हैं हाँ हाँ सना तोड़ दे तोड़ दे सना बोलते है, ओ मेरे हाथ नीचे क्यों हुए मुझे लगता है ना कोई पावर है जो मुझे पीछे खींच रहे हैं सिद्धार्थ और सिद्धार्थ वहां पर अपनी सहनाज को देखते हैं दोस्तों बिग बॉस के घर में यार सिद्धार्थ शुक्ला की नज़र ना हर समय सहनाज पे रहती थी सिद्धार्थ की निगाहें जो थी ना सिद्धार्थ की आंखें हमेशा अपनी नाज को ढूंढती थी मतलब अपनी सहनाज को ढूंढती थी क्योंकि बिना सहनाज के दोस्तों सिद्धार्थ का बिग बॉस के घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था सिद्धार्थ का दिल अगर बिग बॉस के घर में लगता था तो सिर्फ़ सहनाज गिल के लिए और किसी के लिए नहीं यार सिर्फ सहनाज गिल के लिए सिद्धार्थ शुक्ला पूरे बिग बॉस में जिए यार आपको पता है दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला कितना ज़्यादा दिल से प्यार करते थे सहनाज गिल के लिए इतना पैम्पर होते थे ना उनको पैंपर होने का बहुत ही ज्यादा शौक था शहनाज गिल के से पैम्पर होना शहनाज गिल को अपने साथ रखना अपने से दूर नहीं रखना शहनाज गिल जैसे दूर जाती थी सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ होने लग जाता था यार ऐसा लगता था शहनाज क्यों दूर जा रही है तू तेरे को मेरे पास होना चाहिए तू मेरी है और किसी की नहीं तू मुझे प्यार करेगी किसी और को नहीं क्योंकि मेरे को तो इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने दिल से तेरे को कभी बता ही नहीं पाऊंगा और सहनाज गिल भी कहीं ना कहीं जानती थी यार कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से बहुत दिल से प्यार करती है इसलिए सहनाज गिल को हर वक्त ना सिद्धार्थ शुक्ला से मजाक करना हंसी मजाक करना बहुत ही प्यारा लगता था सहनाज गिल के दिल में यार सिद्धार्थ शुक्ला के लिए वो इतना अच्छा वाला प्यार था ना उसको शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता प्योर सोल वाला लव यार इसको कोई बयान नहीं कर सकता सहनाज को सिद्धार्थ से अच्छा लगता था और सिद्धार्थ को सहनाज से अच्छा लगता था दोनों की जो जोड़ी है ना दोस्तों उसने बिग बॉस की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिएट की है ऐसी जो हम मिसाल कहते हैं ना मिसाल मिसाल क्रिएट की है ऐसी जोड़ी का भी कोई नहीं बन पाए सिडनास जैसा प्यार कोई कर ही नहीं पाया यार जितने भी बिग बॉस में कपल आए हैं सबका प्यार बिल्कुल एकदम फेक लगता था बिल्कुल फेक सिर्फ एक ही कपल था जिसका जेनविन और बहुत प्योर है वो है हमारे सिडनास की जोड़ी सिद्धार्थ शुक्ला और सहनाज की जोड़ी उसके बाद सहनाज बोल दिया अगर मैंने ये शीशा तोड़ दिया ना तो मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाऊंगी उसके बाद सहना थोड़ी फनी एक्ट करती है फिर बोलती है सिद्धार्थ यार ऐसा लग रहा है कोई मेरा हाथ पीछे ले जा रहा है ये क्या

तो ये वीडियो कैसी लगी